तो गाइस आज मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने जा रहा हूँ फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाय पावर बैंक। इसे मैंने ख़रीदा फ्लिपकार्ट से और इसका जो कॉस्ट पड़ा मुझे 799 रुपीज़। तो इस रेंज में कोई भी पावर बैंक नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने इसे ख़रीदा। बाकी पावर बैंक सब है जो आईवोल है, एम्ब्रेन है और भी ब्रांडेड कंपनी का पावर बैंक सब आता है, तो वो सब थोड़ा कॉस्टली हो जाता है तो इसलिए मैंने उनको नहीं खरीद के, चलिए इससे एक बार ट्राई मार लेते हैं ये कितना 20,000 mAh का बताया है तो कितना देता है। तो चलिए मैं अभी इस डब्बे को खोल लेता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं ये फ्लिपकार्ट का जो डब्बा है कुछ इस प्रकार का आता है और इस डब्बे के अंदर एक मिलता है 20,000 mAh का पावर बैंक और उसके साथ एक मिलता है एक डाटा केबल। तो उस और आप देख सकते हैं ये पैकिंग के लिए दिया गया था, काफ़ी अच्छे से पैक हो के आ गया मेरा घर, कोई डैमेज नहीं हुआ। तो इसे मैं बॉक्स को साइड में रखता हूँ और आप देख सकते हैं ये कुछ लुक इस प्रकार का है, ब्लैक कलर में है और इसमें एक डिजिटल वाला भी दिया गया है ताकि आप चार्ज करेंगे तो आपको बताएगा कि कितना परसेंट हुआ। चलिए मैं अब डाटा केबल को लगा लेता हूँ और इस पावर बैंक को ऑन करके देखता हूँ कि इसमें कितना परसेंट का पावर बैंक है। तो मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर दो है, एक 2.1 mAh और एक 1 amp का जो USB पोर्ट है। तो इसे मैं लगा लेता हूँ, चलिए देखते हैं। और उसके बाद ये देखिए मैंने अभी ऑन कर दिया, चलिए देखते हैं कितना परसेंट है। तो आप देख सकते हैं 25% है अभी। तो इसे मैं अभी अपना फुल चार्ज कर लेता हूँ और मेरे पास कुछ फ़ोन है उसको मैं चार्ज करके बताऊँगा कि ये कितने mAh का बैटरी एक्चुअली में, जो कि 20,000 बताया गया, 20,000 है या नहीं है तो पता चल जाए कि एक्चुअली में कितना है। तो आप देख सकते हैं ये पावर बैंक है, इसे मैंने रात भर पूरा फुल चार्ज किया तो अभी ये 100% हो चुका है। तो अभी मैं कुछ देर में आपको बता दूंगा कि ये एक्चुअली में कितना बैकअप देता है। मेरे पास एक फ़ोन है को मैं चार्ज करूंगा और एक मेरे पास JioFi है तो उससे मैं आपको बताऊँगा कि ये एक्चुअली में कितना दे रहा है, 20,000 दे रहा है या उससे कम दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा पावर बैंक है और ये जो है Realme 1 और ये JioFi। Realme 1 जो 3400 mAh का बैटरी इसमें है और ये JioFi जो है इसमें 2000 mAh का बैटरी है। तो ये जो पावर बैंक है इसका बैटरी पूरा ड्रेन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं ये बत्ती जो है इसका डिप्लप कर रहा है तो इस ये अभी मतलब पूरा ख़त्म ही हो चुका है 25%। अब थोड़ा देर में ऑटोमेटिक ये जो 25 जो दिख रहा है ये भी बंद हो जाएगा दिखना। तो इसे मैंने 3 बार चार्ज किया और इससे भी मैंने 3 बार चार्ज किया, यानी कि आप जोड़ सकते हैं ये 3400 mAh का बैटरी है। तो इसका रिज़ल्ट ये निकल के आता है कि ये जो पावर बैंक जो है ये टोटल जो 20,000 जो बताया गया टोटल 20,000 mAh का पावर बैंक ये नहीं है, इसमें पूरा बैटरी आपको नहीं देता है। करीबन लगभग आपको मिलेगा 16,000 mAh का बैटरी या तो उससे थोड़ा सा कम भी मिल सकता है आप। और MI के पावर मुकाबले तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि MI मेरे पास है ना, तो मैंने फ्लिपकार्ट का ख़रीदा था जो कि सेल का टाइम में लिया था 800 रुपये में। अभी हो सकता है अगर आप सेल में अभी नहीं चल रहा है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े, तो प्राइस के हिसाब से ये मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन लगा जो कि 800 रुपीज़ में मैंने खरीदा। और भी पावर बैंक आता है मार्केट में, एम्ब्रेन का है और MI का है और भी कंपनी का है, आईबोल है, इस टाइप का भी ब्रांडेड कंपनी सब है तो आप उनका भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें आप जो 20,000 mAh जो आप ख़रीद रहे हैं आप एक्सपेक्ट करें कि 20,000 का पूरा बैकअप मिलेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आपको उनसे तो कम ही मिलेगा, हो सकता है 16,000 मिलेगा, 17,000 यानी कि यही आसपास आपको मिलेगा, पूरा 20,000 mAh का बैटरी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नीचे में कमेंट भी करें।